The question given is if x, y, z are not all and all 0, and if ax plus by plus cz is equal to 0, bx plus cy plus az is equal to 0, and cx plus ay plus bz is equal to 0. Then we have to prove that x ratio, y ratio, z is equal to 1 is to 1 is to 1, or 1 is to omega is to omega square, or 1 is to omega square is to omega, where omega is the complex cube root of unity. तो हमें क्या गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी, ये तो 0 के इक्वल होना चाहिए तभी ये वैलिड होगा. तो ये हो जाएगा ए इंटू बी सी माइनस ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी इंटू बी स्क्वेयर माइनस ऑफ ए सी प्लस सी इंटू ए बी माइनस ऑफ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. दैट इज ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस ऑफ की सी क्यूब इज इक्वल टू 0. दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3 ए बी सी इज इक्वल टू 0. अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस ऑफ सी ए इज इक्वल टू 0. इसको हम ऐसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2 AB प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 BC प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 CA प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स या तो ये टर्म 0 होगा और या ये टर्म, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, ये 0 हो सकता है, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज 0. ये 0 है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है. ठीक है, अब हमें क्या इक्वेशंस गिवन है कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 है. अगर एक्स वाई और जेड तीनों को हम 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, जो एक हमारा इक्वेशन वैलिड है. तो इसका मतलब ये एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड 1:1:1 हो सकता है, ये हमारा एक रूट आ गया. ठीक है, अब हमें एक और फार्मूला पता है कि अगर हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 AB इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो या तो ये 0 होगा जिसकी कंडीशन हम देख चुके हैं. अब हम अगर इसको 0 करते हैं, दैट इज ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो अगर हम देखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 है. एक्स को अगर हम रखते हैं 1, वाई को ओमेगा और सी को ओमेगा स्क्वायर, तो हमें ये कंडीशन वापस मिल जाएगी. दैट मीन्स एक्स इज टू वाई इज टू जेड हमारे पास 1:ωs टू ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है. और अगर हम एक्स को रखें 1, वाई को रखें ओमेगा स्क्वायर और जेड को रखें ओमेगा, तो हमें मिलेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज इक्वल टू 0. दैट इज ऑल्सो वैलिड आंसर. इसका मतलब एक्स इज टू वाई इज टू जेड 1:ωs स्क्वायर इज टू ओमेगा भी हो सकता है. और यही तीन हमें प्रूव करना था. सो हेंस प्रूव्ड, दिस इज आवर सॉल्यूशन.